बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमें पता चला है कि आजमगढ़ का जो नाम है वो बदला जा रहा है योगी सरकार के राज में, तो क्या ये नाम बदला जा सकता है और ये पहले क्यों नहीं हुआ? तो आज हमारे मुंबई के एमएलए समाजवादी पार्टी के अबू असीम साहब ने इस बारे में क्या कहा है, देखिए वीडियो। आजमगढ़ का नाम इसलिए आजमगढ़ रखा गया था कि आजम शाह साहब ने आजमगढ़ को बसाया था, योगी के बाप ने नहीं बसाया था। योगी को कोई राइट नहीं है, आजम शाह की प्रॉपर्टी आजम शाह ने नाम रखा। और आजम शाह के नाम को मिटाने का मतलब यह हुआ है कि योगी साहब बिल्कुल फेल हैं, कोई काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है योगी जी को सिर्फ मंदिर में बैठ के पूजा करना चाहिए और लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। वो बिल्कुल से इतना बड़ा भारतवर्ष का स्टेट, इस स्टेट की गद्दी पर बैठ के इस मजाक कर रहे हैं बैठ करके। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर योगी जी आपकी सरकार है तो आप कुछ नए शहर बना दीजिए ना। कहता कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। शर्म आना चाहिए। हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जग जाहिर है, सब जानते हैं कि 22 महीनों में 332 किलोमीटर का रोड ऐसा बना है कि जिसपे जेट जहाज भी उतारा गया। आज मैं देख रहा हूँ कि आज तकरीबन 4.5 साल हो गया मोदी सरकार को, बनारस से आजमगढ़ का रोड आज तक नहीं बना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, एक काम नहीं हो रहा है। जितनी भी स्कीमें अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी उन्हीं स्कीमों पे लेके बैठे और इंक्वायरी में लगे हुए आज तक। ये मर जाएंगे लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी केस मिलने वाला नहीं है। आज ये इनकी पूरी कैबिनेट गई थी अयोध्या। कैबिनेट का अयोध्या में क्या काम है? सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर। मैं अयोध्या गया हूँ, अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, एक दो मंदिर नहीं है। अगर बाबर ने, मीर बाकी ने अगर एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई होती तो उस वक्त मीर बाकी या बाबर पूरी मंदिरें वहाँ की तोड़ सकते थे क्योंकि उनका राज था। लेकिन उन्होंने कभी ये काम नहीं किया, उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पे काम किया। और आज ये लोग, इनकी सरकार आई है, वो कहते हैं ना कि छोटी हांडी में उबाल आ गया। अभी सिर्फ 4.5 साल हुआ सरकार आके, 900 साल तक मुसलमानों ने राज किया लेकिन मुसलमानों ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। आज ये अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं लोग। जितने वादे किए थे उन्होंने कि भाइयों और बहनों मोदी सरकार ला दो, 100 दिन के अंदर जितना पैसा ब्लैक पड़ा हुआ है, ब्लैक मनी सब आएगा और बिना मांगे बिना कुछ काम किए 15-15 लाख रुपए के खाते में आ जाएगा। अब आज कह रहे हैं कि नहीं, ये